बुलेटिन के प्रायोजक हैं मिथिलेश प्रिंटर्स मुसंडी रोड कालूखेड़ा। अब आपको फ्लेक्स बनवाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बस आपके नजदीकी कालूखेड़ा में ही मिथिलेश प्रिंटर्स की दुकान स्थित है। नमस्कार, मैं साधना, आप देख रही युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुँचे राज्य मंत्री, एक दूजे के हुए 11 जोड़े, सात जी ने मरने की खाई कसमें। भारतीय जनहित महासभा उत्तर प्रदेश ने कराया पुनीत कार्य तो राज्य मंत्री ने दिया आशीष। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के असोहा क्षेत्र से है। बताते चले, भारतीय जनहित महासभा द्वारा यूपी के जनपद उन्नाव के असोहा ब्लॉक के पहासा गांव में आयोजित हुआ सर्व समाज सामूहिक विवाह कार्यक्रम। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 वर वधुओं ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाकर एक दूसरे का दामन थामा तो संस्था के इस पुनीत कार्य की जमकर तारीफ हुई। पहासा गांव में शादियों को लेकर संस्था द्वारा विशेष तैयारियां की गई थी। सामूहिक विवाह समारोह में लाल जोड़े में अपने होने वाले पिया के साथ सजी बैठी दुल्हन इस कार्यक्रम की सार्थकता को बयां कर रही है। 11 जोड़ों के परिवारों के अलावा उनके रिश्तेदारों व अन्य बारातियों के लिए पंडाल भी सजाया गया। शादी में वधुओं को उपहार भी देने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि सांसदीय एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों के सुखमय जीवन की कामना की, साथ ही शादी के प्रमाण पत्र भी वर वधुओं को प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सरकार तो ऐसे विवाह कराती ही है, पर भारतीय जनहित महासभा का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम अति प्रशंसनीय है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में संस्था की जमकर तारीफ की, साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से ऐसे आयोजनों को अपने समाचार पत्रों व चैनलों में प्रमुखता से स्थान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उससे अन्य लोगों को भी ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। सामूहिक विवाह समारोह में विनोद मौर्य ने सभी आए हुए पत्रकारों का सम्मान अंग वस्त्र व कलम डायरी भेंट कर किया, जिसमें प्रमुख रूप से शीतल प्रसाद, राजेश चौधरी, सुभाष चंद्र, सुनील सिंह, अमित आर्या, सुजीत धानु व हर्षित श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार, साहित्य शुक्ला, अमित दीक्षित, सुधीर अवस्थी, एस के पाल आदि पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सर्व समाज सामूहिक विवाह के आयोजन के बारे में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मौर्या ने बताया कि भारतीय जनहित महासभा द्वारा 2011 से सामूहिक विवाह की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना था। विनोद मौर्य ने बताया कि अब तक संस्था द्वारा करीब 300 शादियां कराई जा चुकी हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय जनहित महासभा के अध्यक्ष विनोद मौर्य, मंडल अध्यक्ष शिवचंद्र कुशवाहा, राजेश मौर्य, ग्राम प्रधान पहासा नंदलाल कुशवाहा, आत्माराम, दिवाकर सोनी, कुलदीप कुशवाहा, मनोज यादव, देवेंद्र मौर्य, राजकुमार अवधेश कुशवाहा, पूर्व विधायक प्रतिनिधि संतोष सिंह, भरत सिंह कुशवाहा, संजय मौर्य अधिक लगभग सैकड़ों क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे। युवा तक भारत समाचार के लिए एस के पाल के साथ गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। इस देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है। आप औद्योगिक विकास के जो है कार्य मंत्री भी हैं, आपको क्या लगता है वास्तव में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी सरकार इतने औद्योग नहीं विकसित कर पाई कि युवाओं को रोजगार मिले? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आज औद्योगिक विकास विभाग ही नहीं बल्कि सारे विभागों के अंदर काम बड़ी तेजी के साथ हुआ है। और अभी विपक्ष को ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन किया गया, जिसमें 33,50,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर उद्योगपतियों के माध्यम से किए गए। ये क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, उत्तर प्रदेश के लिए चलने के लिए सड़कें बहुत अच्छी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की व्यवस्था अच्छी है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ही इतना बड़ा निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और जब यह निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरेगा, उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और विपक्ष का काम है केवल कहना। जब विपक्ष के लोग यहाँ सरकार में थे उस समय अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर एक ही समाचार छपता था, आज इस विभाग में 1,00,000 करोड़ का घोटाला, आज इस विभाग में 10,000 करोड़ का घोटाला, आज यूरिया घोटाला, आज चीनी घोटाला, आज चाय घोटाला,
जिस दिन से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं कहीं पर भी किसी प्रकार का घोटाला घपला नहीं हुआ है। ईमानदार सरकार केंद्र के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रही है और निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अक्सर देखा यह गया है कि विपक्ष ने हमेशा संसदीय जो कार्य प्रणाली इस समय चल रही है का जो अधिवेशन चल रहा है उसको बाधित करती है। पहली बार ऐसा है कि सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है। क्या मानते हैं कि मोदी की आलोचना देश की आलोचना हो गई इसलिए संसदीय कार्य को बाधित किया जा रहा है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। मैं भी उत्तर प्रदेश में संसद का राज्य मंत्री हूँ और मैंने भी सदन की कार्यवाही को देखता हूँ। सदन के अंदर जिस प्रकार से विधानसभा में इस बार चलाई गई, सपा और बसपा की सरकारों में कभी विधानसभाएं चलती नहीं थी, इस बार विधानसभा अच्छे प्रकार से चलाई गई है। विपक्ष को अपनी बात कहने का सब अधिकार है, केंद्र भी सबको अधिकार है। इसलिए ये कहना कि साहब सत्ता पक्ष बाधित करता है, सत्ता पक्ष बाधित क्यों करेगा, ये काम करता विपक्ष और विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभाने का अधिकार है, गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं। महोदय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी देश में घूम घूम कर गठबंधन कर 24 में भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? भाजपा को कोई नहीं रोक सकता, माननीय मोदी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि जनता भी जान चुकी है मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरी दुनिया के अंदर देश की पहचान बनी है और दुनिया आज मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, तो देश की जनता भी आज जातिवाद की राजनीति, मत मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले, क्षेत्र के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों को सबक सिखा करके केवल विकास की राजनीति देश के अंदर चलेगी और विकास केवल मोदी जी करा सकते हैं, इसे जनता हमारे साथ है। निश्चित रूप से आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेगी। महोदय प्रदेश से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार है, क्या सामान नागरिक संहिता कानून लागू हो पाएगा या नहीं? वो भविष्य घर में है, आप जो भी कार्रवाई होगी वो सब आपके सामने होगी। योगी सरकार और मोदी सरकार किसी ब्लॉक किसी क्षेत्र में आए थे माननीय प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने कहा था 10 मार्च के बाद अन्ना जानवर सड़कों पर नजर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद उसके बावजूद उनकी वादा खिलाफी हो गई, यहाँ की जनता बहुत परेशान है अन्ना जानवरों से। अन्ना जानवरों की समस्या के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है, उसके लिए प्रयास कर रही है, बजट में पैसे का भी व्यवस्था की गई है और ये अन्ना जानवर कहीं बाहर से नहीं आए, जो छोड़ते उन्हें भी जरा पूछो कि पालते क्यों नहीं गई। इनकी समस्या का समाधान सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है, जल्दी इनका ये दिखाइए आपको सड़कों पर नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूँ एसके पाल, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूँ उन्नाव जनपद के कालूखड़ा क्षेत्र के पास पहासा में, जहाँ पर भारतीय जनहित महासभा के द्वारा संयुक्त रूप से सर्व समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 11 जोड़े पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ जीने मरने का जो है 7 जन्म तक जीवन यापन करने का गठबंधन पूरी तरह से निभाने का कार्य कर रहे हैं। और बड़ी बात है जैसा कि सूबे की सरकार योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, ये 2011 में मैंने शुरुआत की थी अजगैन से। मेरा एक उद्देश्य था कि समाज में किस प्रकार से दहेज प्रथा का जो चलन है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि आज आप लोग आए दिन देखते होंगे पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि दहेज के कारण बहू की हत्या कर दी गई, फांसी लगा ली गई, घर से निकाल दिया गया, आए दिन आपको ये खबरें मिलती हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि समाज को दहेज से मुक्त करना है। जब तक ये दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक हमारा समाज जो कमजोर तबके का है या जो नहीं बेटी उसकी काबिल है पढ़ने में अच्छा है लेकिन पैसे के कारण उसके अच्छा बेटा अच्छी शादी नहीं हो पा रही है, तो यही उद्देश्य है कि दहेज प्रथा को खत्म करना। ये कब से आप लोग आयोजन कर रहे हैं? अच्छा, कब से आयोजन आप लोग कर रहे हैं? ये पहासा में 2018 से शुरुआत हुई है। अब तक कितने आपके कार्यक्रम के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला है? 2018 में करीब 23 जोड़ों की शादी मैंने करवाई थी 2018 में। अब तक मुझे लग रहा है कम से कम 51 जोड़ों की शादी हो चुकी होगी और ज्यादा होगी, 300 प्लस। हाँ, 300 प्लस। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो है नहीं पहले भी सर मेरी एक सोच है, एक विचार है
कि मुझे सर्व समाज को लेकर चलना है। जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही है, हमारा भी वही उद्देश्य है कि हमें सर्व समाज को साथ में अपने साथ लेके चलना है। और उनकी सरकार एक सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जगह जगह बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से कर रही है। जी जी, तो ये आप किसी संस्था के माध्यम से? नहीं, मैं अपनी, ये हमारी भारतीय जनहित महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। मेरी महासभा के द्वारा ऐसे पुनीत कार्य, सामूहिक विवाह कार्यक्रम, मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम, और इंटर के बाद जो बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे बहुत से कोर्स ऐसे हैं 80+ कोर्स हैं, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ऐसे बच्चों को भी मेरी महासभा गोद ले रही है इंटर के बाद। केवल उन्हें अपने रहने का और खाने का पैसा देना है, बाकी कोई फीस नहीं देनी, और वो वही कॉलेज घूमते जो हमारी राशि कार्यक्रम थोड़ा बड़ा इंटीरियर एरिया में इसलिए हो सकता है, यहाँ के ब्लॉक क्योंकि यहाँ से करीब हमें लग रहा 10 किलोमीटर की दूरी होगी, और यहाँ से हो सकता है वहाँ के लोग न पहुँच पाते, तो ये गाँव जहाँ पे ज्यादा इंटीरियर है वहाँ भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य।